अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए व्यूअर्स, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं चटनियाँ। आज हम दो तरह की चटनी बनाएंगे और एक हम ये मीठी चटनी बनाएंगे आलू बुखारा और इमली की। ये देखिए, ये दो पैक जो है मैंने आलू बुखारा ले लिए और ये हाफ पैक इमली ली है। और एक हम हरी चटनी बनाएंगे, उसके लिए हमने ये धनिए के तीन बंचेस लिए हैं और ये एक बंच जो है हमने पुदीना लिया है। और हम अदरक लेंगे थोड़ा सा, इतना सा स्मॉल पीसेस अदरक का लेंगे और लहसुन लेंगे हम दो जवे। तो हम फिर इसकी चटनी बनाएंगे। अब मैं इसको भी मोटा मोटा सा कट कर लूंगी। धनिया पुदीने को फिर हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये देखिए, अभी इस तरह से हम इसको मोटा मोटा कट कर लेंगे और इसकी ये जो डंडियां हैं ये भी हम इसके साथ ही डालेंगे। ये थोड़ी थोड़ी सी जो है हम इसको मोटा मोटा चॉप कर लेंगे और इसको इस तरह से चॉप करके हम इस बाउल में ऐड कर देंगे। और हम यहाँ पर जिंजर लेंगे एक पीस। ये देखिए, इतना सा स्मॉल पीस हम जिंजर लेंगे। इसको भी हम छील लेंगे, पील कर लेंगे। और यहाँ पर ये हमने दो जवे लेने हैं लहसुन के, ये देखिए गार्लिक के। और अब हम इसको अच्छे से वॉश करके इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये व्यूअर्स, जिसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया, धनिया पुदीना और लहसुन और अदरक जो हमने डाला था। अब हम यहाँ पर इमली और आलू बुखारा ले लेंगे। ये देखिए, ये मैंने बाउल में ऐड कर लिया है। अब हम इसमें पानी डालकर इसको सोक करके रख देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, इसमें ये पानी ऐड कर दिया हमने और इसको हम अच्छे से सोक करके रख देंगे। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ये मैंने ले लिया है हैंड ब्लेंडर। ये देखिए, इससे मैं इसकी चटनी बनाऊंगी। तो इसके अंदर अब हम ये ऐड करेंगे धनिया पुदीना। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये ब्लेंड हो जाए अच्छे से। और अब हम इसको ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे हैंड ब्लेंडर से। देखिए, ये ऑप्शन वन जो हमने हैंड ब्लेंडर यूज किया था, ये मैंने इसमें थोड़ी सी की है। और ऑप्शन टू है हमारे पास कि हम इसको जग में कर लें। तो जिनके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है वो जग में भी कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ये सब्ज मिर्च ऐड करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर सब्ज मिर्च ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने, मेरे पास ये फ्रीज की हुई सब्ज मिर्च है। तो आपके पास अगर फ्रेश पड़ी हुई है तो आप वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं फ्रीज करके रखती हूँ। वैसे वो मिर्च जो है बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, जल्दी से खुश्क हो जाती है, इसलिए फिर हम इसको फ्रीज कर लेते हैं चॉप करके, और वो फिर इजी रहता है यूज करना। ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर ये मिर्चें ऐड कर दी हैं। और अब मैं इसके अंदर ये लेमन जूस का एक क्यूब ऐड कर दूंगी। ये देखिए, ये एक क्यूब जो है लेमन जूस, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये देखिए, ये हम इसके अंदर ऐड करके और इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। व्यूअर्स, ये हमारी चटनी जो है ये ब्लेंड हो चुकी है अच्छे से। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे ताकि ये खराब ना हो और ज्यादा देर हम इसको स्टोर कर सके। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, मैंने ये देगची ली है। तो आप कोई भी पैन, फ्राई पैन वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ये मोंडियाल का ऑलिव ऑयल जो है ये ऐड करूंगी, ये 1 टेबल स्पून। व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने ऑलिव ऑयल इसके अंदर ऐड कर दिया। मोबाइल मेरे हाथ से अभी छूटने लगा था, गिरने लगा था, बच गया है। अब मैं इसके अंदर, ये देखिए, ये सफेद जीरा है 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून अजवाइन है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और ये मेरे पास 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स हैं, ये इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे इस तरह से। ये देखिए, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। और ये धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और ये हमारे पास सॉल्ट है 1 टेबल स्पून, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हम ये अपनी चटनी ऐड कर देंगे इसके अंदर।
ये हमने जो ग्रीन चटनी बनाई हुई है इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हमने इसके अंदर इसको ऐड कर दिया है, अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे स्लो फ्लेम पर। अब हम इसको पकने देंगे। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजे की चटनी रेडी हुई है व्यूअर्स, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। और इसको अब हम पका लेंगे ताकि ये खराब ना हो, और फिर हम इसको फ्रिज में स्टोर कर लेंगे। और यहाँ पर ये मैंने इमली और आलू बुखारा जो हमने भिगो कर रख दिया था, इसको भी हम सॉफ्ट होने देंगे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। व्यूअर्स, हमारी ये चटनी जो है ये पकना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए कितने अच्छे से ये पक रही है और इसमें बॉयल आ रहा है, और ये मैंने टेस्ट भी किया, इसमें सब कुछ परफेक्ट है, बहुत ही मजे की, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। अब यहाँ पर ये देखिए हमने हाफ कप पानी ले लेना है, ये हाफ कप पानी लिया है मैंने, और इसमें मैं ये 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी। ये देखिए 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, अब हमने जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बनाया है, ये हम इसको ऐड करते जाएंगे और इसको स्टिर करते जाएंगे इस तरह से चटनी को। ये देखिए इस तरह से हम स्टिर करते जाएंगे इसको, थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर ऐड करके। अब हम इसको 5 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारी चटनी जो है ये रेडी हो चुकी है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। अब हम इसको ठंडी होने देंगे और फिर मैं इसको इसके अंदर डालकर स्टोर कर दूंगी। स्मॉल वाली हमारी जो है पॉट, इसके अंदर ऐड करके हम इसको स्टोर कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी चटनी रेडी हो गई है। अब हम सेकंड चटनी की तरफ चलते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये हमारी जो है ये सोक हो चुकी है, ये इमली और आलू बुखारा, ये देखिए। अब मैं इसको यहाँ पैन में रखने लगी हूँ पकाने के लिए, पकने के लिए। आप इसको स्ट्रेन करने के बाद भी पका सकते हैं, लेकिन मैं पहले इसको पकाऊंगी फिर स्ट्रेन करूंगी, क्योंकि फिर इसका अच्छे से जो है आलू बुखारे और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और इनका असर भी निकल आएगा अच्छे से। तो ये देखिए अब हम इसको पका लेंगे, पकने के लिए रख देंगे इस तरह से ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और ज्यादा। ये देखिए व्यूअर्स, ये पक चुका है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। अब इसको इस तरह से मैं मैश कर लूंगी। ये देखिए मैंने मैश कर लिया है हाफ। ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये आलू बुखारे जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, और इनको हमने इस तरह से अच्छे से मैश कर लेना है, और मैश करके मैं इनको स्ट्रेन कर लूंगी। ये देखिए क्या व्यूअर्स, इस तरह से हमने इसको स्ट्रेन कर लेना है चटनी को। ये देखिए इस तरह से प्रेस करके हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। ये मैंने स्ट्रेन कर ली है कुछ, फिर मैंने उसके अंदर दोबारा से पानी ऐड किया, फिर मैं उसको दोबारा से स्ट्रेन कर रही हूँ ताकि जो ये अच्छे से इसका मिक्सचर निकल आए। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने इमली और इसका जो पल्प है उसको हमने छान लिया। ये देखिए ये इस तरह से हमने इसका पल्प जो है रेडी कर लिया। अब यहाँ पर पैन ले लिया, इसमें हमने ऑयल डाल लिया 2 टेबल स्पून। अब हम इसके अंदर ये स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये देखिए ये मोटा कुटा हुआ धनिया है, और ये कलवंजी है 1/2 टीस्पून, और यहाँ पर ये मोटी क्रस्ट जो है मिर्च है, चिली फ्लेक्स, ये ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून। और ये हमारे पास ये 1 पिंच अजवाइन है, और 1 टीस्पून साबुत जीरा है, ये ऐड कर देंगे। और ये देखिए ये हमारे पास सॉल्ट है 1 टेबल स्पून, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, ये हमारे स्पाइसेस जो हैं ये फ्राई हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ये पल्प जो हमने रेडी किया ये ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भी आ गई है, अब हम इसको पका लेंगे। ये देखिए अब इसके अंदर मैं ये शक्कर ऐड करूंगी। ये देखिए 1 कप शक्कर है बड़े वाला, आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। और ये मैं 1/2 टीस्पून टाटरी पाउडर ऐड करूंगी, टाटरी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। हाँ, और चीनी जो है हम चेक करके और ऐड कर देंगे अगर हमें कम लगेगी शक्कर। ये देखिए व्यूअर्स, अब मैंने इसमें 1 कप शक्कर जो है मैंने और ऐड किया, बड़ा कप। चीनी इसमें कम था, मीठा कम था, और ये हमारा बहुत ही मीठी और चटपटी सी बहुत ही मजे की चटनी इमली और आलू बुखारे की रेडी हो जाएगी। अभी हम इसको पकने देंगे, बॉईल आने देंगे। और यहाँ पर ये 1/2 कप पानी ले लिया है मैंने, इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी मैं। इसमें ये 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए व्यूअर्स, हमारी चटनी बॉईल हो गई है।
अब हम इसके अंदर ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सर जो है ये थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें थिकनेस आ जाए, थिकनेस आ जाए इसमें, हाँ जी थिकनेस आ जाए। हाँ ये देखें ये हमारी चटनी बहुत मजे की चटपटी रेडी हो जाएगी, चटपटी रेडी हो चुकी तारी के लिए, तारी के लिए समोसे के साथ, रोल के साथ और दही बड़े के साथ मजे मजे से खाएंगे, मजे मजे से खाएंगे। और व्यूअर्स को आप भी बनाए, आप भी मजे मजे से खाए, मजे मजे से बनाए वो अच्छा होता है, अच्छा होता है, मजे मजे से खाए, मजे मजे से खाए। फिर तैलीबा को भी याद करिएगा, फिर मुझे भी याद करिएगा उनके पास। आपके घर बच्चे हैं व्यूअर्स, बताइएगा आपके घर भी तहलीबा जैसे बच्चे हैं। तहलीबा कह रही है आपके घर में बच्चे होते हैं, हमारे घर में तो हमारे घर में बच्चे हैं, हाँ आप ही है, हाँ मामू है, चाची और पापा फैक्ट्री गई हुई है। अच्छा आप लोगों के घर में है, हाँ आप लोगों के घर में कौन कौन है, बच्चे कौन कौन है बताइएगा, तहलीबा पूछ रही है। व्यूअर्स को रिप्लाई किया करे ना, रिप्लाई क्या करे, हाँ रिप्लाई किया करे, सारे बच्चे आ चुके हैं ना। हाँ व्यूअर्स हमारी चटनी रेडी हो चुकी है और ये हमने यहाँ पर निकाल ली है इसी रेसिपीज के साथ। आप मुझे इजाजत दीजिए, मुझे गाँव में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। चुप चुप चुप, अल्लाह हाफिज़। हाँ और तहलीबा से बातें करने का शुक्रिया।